पूरे पटना में उत्साह का वातावरण है, उमंग का वातावरण है। अपने प्रिय राजनेता को अपने बीच में देखकर लोग पूरी तरह से उत्साहित हैं, और मैं कह सकता हूं कि पर जितना हम लोगों ने तैयारी की उसकी दुगुना तैयारी यहां के लोगों ने की है। मोदी जी सड़क से जुड़े हुए नेता हैं, वो लोग हवा में नेता हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं समाज को बांट कर नेतागिरी की, मोदी ने समाज को जोड़ के नेतागिरी की। यही अंतर है लालू जी और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। आपने गरीबों का धन की उगाही करके अपना नेतागिरी की, मोदी ने गरीबों तक अनाज पहुंचा के राजनीति की। ये अंतर है मोदी जी में। आपने चरवाहा विद्यालय बनाया, मोदी जी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाकर देश की सेवा की है, राज्य की सेवा की है। तो ये आप में और मोदी जी में अंतर है। क्या कुछ असर पड़ेगा? 40 की 40 सीटों पर असर पड़ने जा रहा है। इस बार तो 400 पार, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं हम कहेंगे, सिर्फ मोदी सरकार। और मोदी जी के इस बार के रोड शो से बिहार में 40 का 40 हम लोग जीतेंगे। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष शून्य, इंडी गठबंधन भिंडी, 0 पर आउट हो। अब की बार 400 के पार, यदि बस चले तो 400 के बियॉन्ड की भी बियॉन्ड। ये जो 11 नंबर मंच है, ये अधिवक्ताओं का मंच है। ये पूरे बिहार के अधिवक्ता के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विंध्याचल राय जी और चुनाव प्रबंधन के संयोजक बिहार के राधिका रमन जी के नेतृत्व में ये पूरे बिहार के अधिवक्ता यहाँ पे, जो उन्होंने अपना बहुमूल्य 2 बजे से ही यहाँ पे खड़ा है और मोदी जी के स्वागत के लिए आतुर हैं। ये विशेषकर पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता, एक लाइन में कहिए क्या कहेंगे? हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में और हमारे सांसद जो पटना उच्च न्यायालय के ही अधिवक्ता हैं, उनके स्वागत में हम लोग अब की बार 400 पार और रिकॉर्ड मतों से हमारे सांसद महोदय यहां से जीत के जाएंगे। इस बार यहां पे हम अधिवक्ता परिवार यहां पे खड़े हैं, हम लोग सब मोदी के साथ हैं। मोदी ने 370 हटाने का काम किया, नए कानून लाने का काम किया, इसलिए सभी अधिवक्ता परिवार उनका स्वागत के लिए यहां पे खड़े हैं। धन्यवाद। धारा 370 को समाप्त करने के लिए, राम मंदिर का निर्माण करने के लिए, ट्रिपल तलाक कानून को समाप्त करने के लिए, देश में नया न्याय संहिता लाने के लिए सभी अधिवक्ता यहाँ माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने और उनके स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित है। ऐतिहासिक है, प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार पटना साहिब में रोड शो कर रहे हैं, पहली बार कोई प्रधानमंत्री पटना में रोड शो कर रहा है। अविश्वसनीय ऐतिहासिक दिन है, बिहार की जनता, पटना की जनता मोदी जी को प्यार करती है, सम्मान करती है, और उनको विश्वास है कि देश में स्थायी सरकार मोदी जी देंगे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वो मेरे आगरा पर आ रहे हैं, सबों का अभिनंदन, आपका भी। विपक्ष कह रहा है कि तो परेशान है मोदी जी। विपक्ष और क्या बोलेगा, उनकी हताशा है, 4 जून को सम्मान हो जाएगा। धन्यवाद। क्या लिए जा रहे पॉलिथीन? फूल है जो प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो उनसे उनके ऊपर फूल की बारिश करने के लिए फूल जा रहा है। ये सारे जितने भी लोग रहेंगे उनके पथ में, उन सारे लोग के हाथ में रहेगा जो लोग फूल बारिश करना चाहते हैं, और ये सारा सिक्योरिटी से चेक होके आया हुआ है। लोगों की इच्छा रहती है लेकिन वो लेके नहीं आ पाते, इसलिए उन लोगों को दिया जाएगा। ये किस तरह का उत्साह है? आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक आप घूम ही रहे हैं। उत्साह तो ऐसा है कि जैसे लग रहा है कि दशहरा और रामनवमी का त्यौहार हो, और इससे ज़्यादा उत्साह उस एक बार फिर से हम लोग 4 जून को मिलाएंगे, बनाएंगे, जिस दिन हम लोग फिर से प्रधानमंत्री जी को एक बार दिल्ली पर फिर से बिठा देंगे। धन्यवाद। राहुल झा, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हम युवा मोर्चा के। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो अंतिम चरण की तैयारी है वो यहां दिख रही है। अब बिल्कुल तैयार हैं या बाहर निकलने के लिए, अब सारे पंक्तिबद्ध हो गए और इस इंतजार में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब इस रास्ते से गुजरेंगे और एक पल उनका दीदार होगा। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा हर्ष कार्यकर्ताओं को है, आम जनता तो पागल हो रही है, लेकिन कार्यकर्ता जो लगातार बरसों से मेहनत करते हैं उनके लिए सोचिए कितना बड़ा विषय होता है कि देश के हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जो 10 वर्षों से हैं लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री, 13 में आए थे, उनका किस तरीके से स्वागत हुआ गांधी मैदान में, ये जग जाहिर है, पूरा विश्व जानता है। और पहली बार रविशंकर जी के आग्रह पर वो आ रहे हैं क्योंकि वो स्वयं भी मिलना चाहते थे लेकिन
बहुत कंजेस्टेड एरिया रहता है और हम लोग बहुत भाग्यवान है, हमारा मंडल बहुत भाग्यवान है, हम कार्यकर्ता भाग्यवान है, हम निवासी भाग्यवान है कि आज उनसे रूबरू होंगे और सारे वो कार्यकर्ता जो अब तक उनको दूर से ही देख करके अपनी पलकों को भर मैंने टीवी पर देख करके अपनी आँखों को अपनी नैनों को भर लेते थे, आज उनको सामने प्रथम दृष्टया दिखेंगे, वेव करते हुए लोगों का स्वागत लेते हुए लोगों का आशीर्वाद लेते हुए ये फूल उनके ऊपर वर्षा होगी क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए किया है, हम ये फूल भी निछावर करें, हम जान भी निछावर करें तो वो कम है। कब से इंतजार हो रहा है? इंतजार वर्षों से है लेकिन आज वो इंतजार कुछ पलों के बाद पूरी हो जाएगी और वो पूरी ही नहीं होगी, जिसको कहते हैं ना कि नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाएगा। हमारे नहीं नहीं नैन, ये तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे वो पिता तुल्य हैं, तो अपने पिता और अपने अभिभावक को हम आज देखेंगे, एक बच्चे जो हम कार्यकर्ता उनके बच्चे हैं तो अपने एक अभिभावक को देखेंगे तो नैन भर के देखेंगे और फिर चैन आ जाएगा। क्या कहेंगे आज? चेहरे पे देख रहे होंगे कि कितना खुशी है आज हम लोगों के, चमक है। बिल्कुल बिल्कुल, और आज हम लोग सब लोग जो है कि मोदी जी के रंग में तो पूरा देश रंगा हुआ है और विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्धि वाले नेता हैं जो हमारे भारत का नाम रोशन किए, और आज पाटलिपुत्री की पावन धरती पे आज वो आ रहे हैं और रोड शो हो रहा है। आए तो वो पहले भी हैं लेकिन सभा में आए हैं, लेकिन रोड शो में वो पहली बार आए हैं, और आज हम लोग सभी महिलाएं जितने भी संस्था के लोग हैं भाजपा के लोग हैं तो सब बहुत ही अभी गर्वान्वित महसूस हो रहा है। इसको दूसरी तरफ से ले रहा है कि उनको मजबूरी हो गई कि यहाँ पे सड़क पे उतरना पड़ा, अब गली गली घूमेंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं विपक्ष। अब देखिए हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, किसके कमल से लोग जानते हैं, ठीक है, कमल कहाँ उगता है, अच्छे से कीचड़ में, तो विपक्ष अगर कीचड़ उछालते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है कि दिल्ली में कमल खिलेगा, क्योंकि 40 की 40 सीट हम लोग मोदी जी की झोली में देने वाले हैं और हम जितनी भी नारी शक्ति हैं वो सब बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं और उनके आने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। हम महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है, नारी को सशक्त बनाया है, हमारे नाम पे घर दिया है, इज्जत घर दी है, गैस चूल्हा दिया है, जनधन खाता किया, बच्चियों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, और अभी 70 साल के जो भी बुजुर्ग हैं चाहे वो सरकारी नौकरी वाले हों या कोई, उनके लिए आयुष्मान योजना का भी अभी बनाया गया है। तो आप ये सोचें कि मोदी जी जब हम लोग के लिए सोचते हैं तो हम लोग भी उनके लिए सोचेंगे। और आज देखिए ये मेरी बेटी बना के दी है कि मम्मी तुम जा रही हो मोदी संग बिहार, हाँ, तो ये जो है कि सोचिए कि घर में अगर वो यहाँ नहीं आ सकती है, आएगी वो बाद में, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता हैं तो हम लोग यहाँ व्यवस्था में सबसे पहले आए, तो वो आएगी तो वो अपना प्यार और स्नेह जो भेजी है, हाँ, जो मेरे कानों में लटक रहा है, तो ये जो है आप देख सकती हैं कि हम लोगों का है। और एक मिनट, मैं अपने सहयोग से चाहूँगा जब वो कैमरा को नजदीक लाए और इनके कान में जो लटक रहा है, एक मिनट, तो इनके कान में जो लटक रहा है इस पे लिखा है मोदी संग बिहार, बस उनको ये संदेश देना है। हम लोग संकल्पित होके आए हैं कि 40 की 40 सीट मोदी जी के पक्ष में हम लोग जिता के बिहार से और उनके झोली में देंगे, और मोदी संग बिहार है यह संदेश जो है ये हम देने वाले हैं, और बाकी तैयारी तो आप देख लिए हैं। आज उन्होंने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर काफ़ी सालों से था और हमारी आस्था का विषय था, और आज और राम मंदिर के जो वकील थे रविशंकर प्रसाद जी, आज उनके पक्ष में वो रोड शो करने जा रहे हैं, तो सोचिए कि कितना बड़ा दिन होगा। कह रहा है कि मोदी जी परेशान है, ऐसा कुछ मोदी जी से तो लोग परेशान हैं, विपक्ष परेशान है, मोदी जी परेशान नहीं होते हैं, मोदी जी बहुत आराम से रहते हैं क्योंकि उनके साथ हम जैसे कार्यकर्ता हैं और देश भर में भय फैले हुए, यानी कि सिर्फ मैं अपनी बात कर रही हूँ, एक बच्चा मोदी का दीवाना है, तो इसलिए मोदी जी परेशान नहीं है क्योंकि मोदी जी का पूरा परिवार है, हम लोग जितने भी लोग हैं ना वो मोदी जी के परिवार है, सारे भारतवासी मोदी जी के परिवार हैं। वो परिवार पे भी अभी सवाल उठा था तो आप देखे थे कि कैसे जवाब देने का काम हुआ था, तो इसलिए मोदी जी परेशान नहीं है। लोगों को लग रहा है कि क्यों वो ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि रोड शो कोई प्रधानमंत्री बिहार में पहली बार हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। जिस तरह का माहौल है कि पूरा पटना मोदी मय हो चुका है और अब बस इंतजार बाकी है उनके आने का, एक दीदार करने का। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण।